नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल पीसीएस से जयल माथा और आज आप लोग को इप्सन L360, L362 और L130, L220 मॉडल का जो रेड लाइट ब्लिंकिंग है उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जो स्क्रीन में दिखाया गया है ये है इप्सन L220। आपका L360 या 130 या 365 कोई भी हो सकता है। अगर इस टाइप का ब्लिंक कर रहा है या तो अल्टरनेटली ब्लिंक कर रहा तो भी आपका इस प्रॉब्लम का हम फिक्स करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको स्टार्ट पे जाना होगा और स्टार्ट पे जाने के बाद फ्रेंड्स इसका जो डिवाइस एंड प्रिंटर वहाँ पे गए या कंट्रोल पैनल से भी डिवाइस एंड प्रिंटर में जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है कि उसका प्रिफरेंस में जाने के बाद मेंटेनेंस पे गए। मेंटेनेंस में जाने के बाद जो है कि इप्सन प्रिंटर मॉनिटर थी या उसको मैंने क्लिक करके इसको चेक करके देख लिए कि इसमें कौन सा एरर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सर्विस रिक्वायर्ड का ऑप्शन शो कर रहा है। तो सर्विस रिक्वायर्ड का अगर ऑप्शन है तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम के लिए आपको 100% आज सॉल्यूशन करके दिखाने वाला है। ये जो है कि इसका जो डाउनलोड कर लेना होगा, इसका जो रिसेटर टूल्स है, रिसेटर टूल्स को डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना होगा। ऑप्शन है मॉडल का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो जो मॉडल दिख रहे चारों पांच मॉडल को इस जो टूल से सॉल्व होगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है कि उसको ओके कर दिए और वेस्टिंग पेज इसको भी ओके कर दिए। यहाँ पे उसके बाद इसको जो है कि चेक करके इसको पहले तो चेक कर दिए। चेक करने के बाद इसको इनिशियलाइज करना होगा फ्रेंड्स। इनिशियलाइज करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर देते हैं, यहाँ ओके कर देंगे फ्रेंड्स। तो ओके हो जाने के बाद जो है कि ये कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब प्रिंटर को ऑफ कर देना है फ्रेंड्स। ऑफ करने के बाद फिर से प्रिंटर को ऑन करना होगा। ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स एक बार फिर से स्टार्ट में जाएंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट में जाके जो है कि फिर वही सेम कंट्रोल पैनल जो कि प्रिंटर डिवाइस में जाने के बाद यहाँ जो है मेंटेनेंस में जाएंगे। मेंटेनेंस में जाने के बाद मॉनिटर थ्री को क्लिक करेंगे। मॉनिटर थ्री को देखिए यहाँ प्रिंटर का स्टेटस क्या दिख रहा है। पहले जो कि था सर्विस रिक्वायर्ड, अभी आपका रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटर का जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हो चुका। तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपना दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ और इसका वीडियो का जो डिटेल्स है, जो टूल्स का डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या चाहे तो आप हमें मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें।